दूषित आहार और बैक्टीरिया की वजह से बच्चों को पेट दर्द और उल्टी हो सकती है। ऐसे में पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। दरअसल गर्मियों के मौसम में बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं। ऐसे में आपको बच्चे को देने वाले आहार की स्वच्छता पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर बच्चों में फूड पॉइजनिंग क्यों होती है, इसके लक्षण क्या है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। बच्चों में फूड पॉइजनिंग तब होती है जब कोई शिशु या बच्चा अस्वच्छता से तैयार किया गया या खराब तरीके से स्टोर किया गया खाने की चीज़ को खा लेता है। खाद्य पदार्थों को सही तरह से न काटने, धोने की वजह से इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। इन सभी के अलावा कम पकी हुई सब्जियां और दूध भी बच्चे को फूड पॉइजनिंग कर सकता है। बच्चे को डिब्बा बंद खाना देते समय उसकी एक्सपायरी डेट पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए। दूषित फॉर्मूला मिल्क बच्चे की फूड पॉइजनिंग की वजह बन सकता है। साल्मोनेला, ई कॉली और लिस्टेरिया मोनोसाइटनेस जैसी बैक्टीरिया फॉर्मूला मिल्क में पनप सकते हैं। यदि आप फॉर्मूला मिल्क को तैयार करते समय सफाई का ध्यान नहीं देते हैं तब भी ये आपके बच्चे को फूड पॉइजनिंग करवा सकता है। बहुत जल्दी ठोस आहार देने से शिशु का पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है जिससे फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। 6 महीने तक केवल स्तनपान कराने की सलाह दी जाती है, उसके बाद धीरे धीरे ठोस आहार दिया जा सकता है। वहीं बच्चे के खाने को सही तरह से स्टोर न करने से उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को बच्चे को देने वाले आहार को साफ जगह पर स्टोर करना चाहिए जिससे बच्चों को फूड पॉइजनिंग होने की संभावना कम हो जाए। कई बार पेरेंट्स बच्चे को कम पका हुआ मीट, अंडे या डेयरी प्रोडक्ट्स देते हैं। इससे बच्चे का पाचन तंत्र खराब हो जाता है और उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से फूड पॉइजनिंग होने का खतरा भी बढ़ जाता है। साथ ही कई बार बच्चे किसी दूषित जल का सेवन कर लेते हैं जिससे भी उन्हें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अब अगर आपके बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो गई है तब आप उसका बचाव कैसे कर सकते हैं? देखिए, बच्चे के आहार को साफ जगह पर कवर करके स्टोर करें। ज़्यादा देर तक स्टोर किए हुए आहार को बच्चे को ना दें, इससे बैक्टीरियल संक्रमण होने की संभावना रहती है। बच्चे को हमेशा ताज़ा बना हुआ खाना ही दें। बच्चे को बाहर का जंक फूड या दूसरे खाने की चीज़ें ना दें। बच्चे के खाने को अच्छी तरह से पकाएं, साथ ही बच्चे को साफ पानी पिलाएं और खाना खिलाने से पहले अपने और बच्चों के हाथ को साबुन से ज़रूर धुलवाएँ। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।